हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपकी सरकार ने आज 4 साल पूरे कर लिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सबसे ज्यादा बदलाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आया। इन 4 सालों में 1,18,000 नए सखी मंडलों का गठन हुआ और करीब 33 लाख परिवार सखी मंडलों से जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुए। इस दौरान सखी मंडलों को 273,64,00,000 रुपए चक्रीय निधि के तौर पर दिए गए, जिसकी बदौलत लाखों महिलाओं ने समूह से ऋण लेकर आजीविका के साधन जुटाए। पिछले 4 वर्षों में करीब 1,40,000 समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए 8,247 करोड़ रुपए उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। वर्ष 2019 तक ये राशि महज 642 करोड़ रुपए थी। महिला किसानों का मुनाफा बढ़ाने और कृषि आधारित खरीद बिक्री को ज्यादा व्यवसायिक तरीके से चलाने के लिए आपकी सरकार ने पहली बार उत्पादक समूहों और उत्पादक कंपनियों यानी FPOs का गठन किया। प्रदेश में वर्तमान में 55 FPOs हैं, जिन्होंने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। किसान अब बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे मंडियों से जुड़ रहे हैं। इन 4 सालों में ग्रामीण उद्यमिता को भी एक नया मुकाम मिला। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के बनाए उत्पादों के लिए पलाश ब्रांड वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस ब्रांड से जुड़कर अपने उत्पादों की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर रही हैं। उनके उत्पाद अब देश के कोने कोने तक जा रहे हैं। महिला सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपकी सरकार की एक बेहद कामयाब पहल रही फूलो छानो आशीर्वाद अभियान। इस योजना के तहत मजबूरी में पहले हड़िया दारू के व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 32,500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार दिया गया है। फूलो छानो आशीर्वाद अभियान में सरकार द्वारा अब महिलाओं को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। विकास के साथ महिला सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपकी सरकार के 4 साल बेमिसाल रहे हैं।